तो रफाल सौदे को लेकर आज दिन भर कांग्रेस बीजेपी में तीखा वार और पलटवार देखा गया, लेकिन शाम को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के नए बयान ने इसे नया मोड़ दे दिया। ओलांद के जिस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे थे, ओलांद उसी बयान से पलट गए। तो आपको बताएं कि फ्रांस ने भारतीय कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ किसी भी तरह से साझेदारी करने का निर्णय नहीं किया। इस मामले में सिर्फ फ्रांसीसी कंपनी डैसो की टिप्पणी ही कर सकती है। ओलांद की पलटी से फंस गए अब राहुल गांधी। तो इस पर सिर्फ द सॉल्ट जो कंपनी है, ओलांद के बयान को आधार बनाकर अब कांग्रेस साध रही थी निशाना, अब वो बैकफुट पर है कि अब निशाना कैसे बनाए। वहीं बीजेपी कह रही है कि माफी मांगे।